मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भारतीय मुसलमानों ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ शिकायत की थी, अगर उस वक्त मोदी सरकार हरकत में आती और इन दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दी होती, तो आपको क्या लगता, क्या अरब देशों में वैसी प्रतिक्रिया होती? इस वक्त अरब देशों में भूचाल आया हुआ है, भारत के खिलाफ जबरदस्त नफरत है। एक के बाद एक अरब देश जो हैं भारतीय राजदूत को तलब कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं, दोनों प्रवक्ताओं ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। सीधा सवाल, अगर मुसलमानों की शिकायत पर भारत सरकार ने इन दोनों पर एक्शन लिया होता, उन नफरती न्यूज चैनल्स पर एक्शन लिया होता जो इस तरह के डिबेट्स का प्रचार प्रसार करते, तो क्या आपको लगता यह सब होता? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, भारत जो है वो एक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि कई अरब देश इस वक्त भारत से नाराज हैं। उनका यह कहना है कि भारतीय जमीन पर बीजेपी प्रवक्ता इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हैं और उसी के चलते कई भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है और इस वक्त आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कई भारतीय कंपनियां, मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी साहब, माननीय रामदेव जी, और यही नहीं, कई अन्य भारतीय कंपनियां मसलन LIC, इंडियन ऑयल, इन तमाम जो कंपनियां हैं जिनके इंटरेस्ट, जिनके हित मध्य पूर्व और अरब देशों में हैं, उन्हें जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, जब आपने व्यवस्था में नफरत को ही जायज कर दिया, तो क्या दो छुट भैया प्रवक्ताओं को बाहर कर लेने से मुद्दे का समाधान हो जाता है? आज मेरा सीधा सवाल मोदी सरकार से, क्या आज आप निर्णायक कदम उठाने को तैयार हैं नफरती प्रवक्ताओं, नफरती राजनीति और दंगा भड़काऊ न्यूज चैनल्स के खिलाफ? सीधे सवाल हैं, इनके जवाब भी सीधे होने चाहिए और इसमें किसी भी तरह का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात अब देश की हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को नुकसान हो रहा है इस नफरती राजनीति, इन नफरती न्यूज चैनल्स और इस नफरती प्रवक्ता की वजह से। सीधी सी बात है, अब कदम उठाना पड़ेगा, अब पीछे नहीं हट सकते हम लोग। जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं वो स्वागत योग्य हैं, मगर बहुत देर के बाद ये कदम उठाए गए हैं। भारत को इसका जबरदस्त नुकसान हो रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कई देशों ने इस वक्त भारत के राजदूत को तलब किया है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। मसलन कतर ने भारतीय राजदूत को समन किया है आपके स्क्रीन पर। क्या कहा है कतर ने? कतर ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल के सामने विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे बयानों से हिंसा और नफरत की भावनाएं बढ़ेंगी। ये तो कतर की बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुवैत ने क्या कहा। आप देख सकते हैं, कुवैत ने भी हमारे राजदूत को समन किया है, कड़ी फटकार लगाई है। और क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? कुवैत ने बयान की निंदा करते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। कुवैत की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के बयानों से अतिवाद और घृणा बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन्स पर ईरान, ईरान का जो बयान है वो क्या है? ईरान ने भी बयान की निंदा की। समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत को बुलाकर विरोध जतलाया है। ईरान से लेके सऊदी अरब से लेके कतर से लेकर बहरीन, तमाम जो हैं इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। आज तक इस्लामिक दुनिया को कोई मुद्दा एक नहीं कर पाया, शिया और सुन्नी देशों को एक नहीं कर पाया, मगर इन दो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं और हमारे न्यूज चैनल्स की जहरीली राजनीति ने पूरे इस्लामिक दुनिया को एक कर दिया है। ईरान भी वही बोल रहा है, कतर भी वही बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, और यह मेरी दूसरी और अहम बात है, आपको याद है जब मेरे किसान भाई बहन सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे, तब आपके सामने दो चेहरे सामने उभर कर आए थे, गायिका रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग।
दोनों ने एक ही बात उठाई थी कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आपने वहां पर इंटरनेट भी काट दिया। तब भारत सरकार ने क्या कहा था कि यह भारत का इंटरनल मामला है। इन तमाम शहरों को देखिए साहब, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, ये तमाम लोग सामने आ गए थे और ये बोल रहे थे कि ये भारत का आंतरिक मामला है, आप बीच में दखल देना बंद करें। अब बताइए ना, अब जबकि ये तमाम अरब देश भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तब हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भारत का आंतरिक मामला है? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा है धंधा। जब भारतीय धंधे पर असर पड़ता है तो उसके सामने तमाम चीजें बौनी पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। कल्पना कीजिए, अगर भारतीय मुसलमानों की शिकायत पर इन दो प्रवक्ताओं को हटा दिया गया होता तो दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही होती, दुनिया भर में। एक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो भी नहीं करना पड़ता। इस बीच इस विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बोला है, नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। ये भारत जोड़ने का वक्त है, हैशटैग भारत जोड़ो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने एक वाजिब बात कही है। उनका कहना है कि माफी भारत क्यों मांगे, माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है, गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। और भारत को और किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर में थे और आप जानते हैं बात दो चीजें हुई हैं। पहली बात, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उसी शर्मिंदगी के चलते। इन दो प्रवक्ताओं ने इस तरह से देश की नाक काटी है। और यही नहीं, आधिकारिक डिनर था उसे भी कैंसिल करना पड़ रहा है। हालांकि इसके कारण कई और बताए जा रहे हैं, कोविड भी बताया जा रहा है, बहुत सी चीजें कही जा रही, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हुआ, वेंकैया नायडू जी का डिनर क्यों कैंसिल हुआ जो कि ऑफिशियल डिनर था। ये तमाम मुद्दे हैं और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इस तरह से देश की नाक कट रही है और ये पहली बार नहीं है। मैंने आपसे हर बार बोला है, आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं जब मैं कहता हूं कि आखिरकार ये तमाम चीजें देश की नाक कटवाएंगी। हमारा भारतीय पासपोर्ट हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व का सबब है। कुछ दिनों बाद यही भारतीय पासपोर्ट जब हम दिखाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पर तो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा होगा वो हमारे ऊपर तंज कसेगा, तब हमसे कहा जाएगा कि हमारे देश के अंदर ये तमाम हरकतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का नुकसान हो रहा है, मैं समझ सकता हूं कुछ दिनों बाद इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी, मगर जो जहर इन न्यूज चैनल्स और इन प्रवक्ताओं ने फैलाया हुआ है भारत के बारे में, क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? अगर कतर, सऊदी अरब या किसी अरब देश में किसी भारतीय परिवार पर हमला होता है या किसी भारतीय पर हमला होता है, अगर उसको दोष दिया जाता है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार का, तब जिम्मेदार कौन होगा? बताइए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें ढेरों दिक्कतें हैं। आपके स्क्रीन पर यह प्रतिक्रिया है, भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। भारत सरकार विविधता में एकता की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि हमें ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंधों की ताकत को कम करना है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कार्रवाई की आपने?
आपने सिर्फ उनसे पार्टी का बाहर का रास्ता दिखलाया है। नुपुर शर्मा को तो आपने सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 महीने बाद ये वापस पार्टी में आ जाएंगी। लिख के ले लीजिए यहां पर। और सबसे बड़ी बात, भारतीय विदेश मंत्रालय अपनी टिप्पणी में एक शब्द का इस्तेमाल करता है, फ्रिंज एलिमेंट्स। उनका कहना है कि जिन लोगों ने यह बयानबाजी की वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यानी कि सतह पर रहने वाले लोग हैं जो देश की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। नहीं साहब, माफ कीजिएगा, सबसे पहली बात, ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं। नुपुर शर्मा तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नुपुर शर्मा ने तो इस कचरा वेबसाइट ऑप इंडिया को इंटरव्यू में यह भी कहा कि मेरे साथ प्रधानमंत्री हैं, मुझे अमित शाह का फोन कॉल आया, देवेंद्र फडणवीस का फोन आया, सांसद प्रवेश साहिब सिंह भी उनसे मिलने गए। तो आप कैसे कह सकते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यानी बाहरी तबका है। मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी और इन नफरती न्यूज चैनल्स ने किया क्या है। जो फ्रिंज पर थे, जो सतह पर थे, जो नफरती चिंटू थे, उन्हें आपने मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया है। यह फर्क आया है। आज खुलेआम धर्म संसद के अंदर देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात की जाती है। खुलेआम धर्म संसद के अंदर यह कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छाती पर 6 गोलियां दाग देनी चाहिए। खुलेआम ये कहा जाता है कि आप अपने घर में हथियार रखो मुसलमानों के खिलाफ और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज की तारीख में यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग मुख्यधारा का हिस्सा बन गए हैं। फिर भारतीय विदेश मंत्रालय कैसे कह सकता है कि ये सब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अपने इस ट्वीट के जरिए अपने शब्द वापस ले लिए हैं और साथ ही अपने इस ट्वीट में कहा है कि उनके पते को सार्वजनिक न किया जाए। इस लिहाज से मैं नुपुर शर्मा के साथ हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की या बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, नुपुर शर्मा ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसे सजा भारतीय कानून के हिसाब से मिलेगी। यह देश तालिबान नहीं है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनको, उनके परिवार को धमकी देने का किसी को अधिकार नहीं। इस देश में एक और कमलेश तिवारी नहीं हो सकता। कानपुर के अंदर दंगे हो गए, मुझे बताइए ना, नुकसान किसको हुआ, किसको हुआ नुकसान? दंगे में नामजद तमाम लोग किस धर्म के हैं? मैं ये नहीं समझ पाता हूं, अगर आप नाराज हैं तो हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? इस देश के सामने गांधी के सत्याग्रह की मिसाल है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करें अहिंसात्मक तरीके से। आपके सामने शाहीन बाग की दादियों की मिसाल है जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में हिंसा करने की क्या जरूरत है? मैं समझ सकता हूं कि कानपुर दंगों में अगर एक तरफ से पत्थर मारे गए तो दूसरे तरफ से भी पत्थर मारे गए, मगर आप भी जानते हैं कानून किसके खिलाफ काम करता है, तो फिर हिंसा करने का क्या फायदा? बचिए ऐसे धर्म गुरुओं से जो आपसे ये कह रहे हैं कि हम कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे। नहीं साहब, देश कानून के हिसाब से ही चलेगा, वरना फिर ये देश नहीं रहेगा। मगर इस मंच पर मैं आपके सामने बेबाकी से तमाम मुद्दों की तह तक पहुंचकर आप तक अपनी आवाज बुलंद करते रहूंगा जो मेरे हिसाब से देश के हित में है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।